एट जी का बेटा कैमरा ऑफ हो गया है, ऑन कीजिए। चलिए आज हम रिफ्लेक्शन सर ने कराया था, लेट्स रिवाइज सम क्वेश्चंस। ठीक है, आज सिर्फ अपनी कॉपी, बाकी सब अंदर रख दो, वर्कशीट्स अंदर रख दो, बिकॉज यू हैव डन वर्कशीट रिलेटेड टू दैट चैप्टर। कीप इट इन योर बैग्स, इन योर फाइल्स, ओनली कॉपी एंड पेन वी नीड। पेंसिल बॉक्सेस अंदर, बॉटल्स अंदर, कुछ नहीं बेंच पे होना चाहिए। जल्दी क्विक, एवरीथिंग, बुक्स इन साइड योर बैग्स। बुक्स, वाटर बॉटल्स, पेंसिल बॉक्सेस, एवरीथिंग इन योर बैग, ओनली रजिस्टर, वर्कशीट्स, वी डोंट रिक्वायर वर्कशीट्स। ठीक है, क्लटर नहीं। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू स्टूडेंट्स, डोंट हैव क्लटर ऑन योर बेंचेस, इन योर बैग्स, इन योर माइंड एंड इन योर लाइफ। किसी चीज में क्लटर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए लेट्स रिवाइज। क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, राइट डाउन। इफ टू प्लेन मिरर, जिससे मैं पूछूंगी आंसर वही देंगे, पहले आप अपना कीजिए फटाफट एंड वेरी क्विक। इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ऑप्शंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, बिकॉज सच क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम्स। लिखिए रिवीजन, आज की डेट डालिए 24th अक्टूबर, फिर उसके बाद रिवीजन ऊपर लिखिए, रिवीजन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड देन क्वेश्चन नंबर 1। डोंट राइट द ऑप्शंस, यू हैव टू राइट आंसर ओनली। अभी नहीं, अभी हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए। अभी हम पूछेंगे नहीं, अभी हैंड्स डाउन, अभी हम पहले सारे क्वेश्चन करके फिर हम काम करेंगे। How many images will be formed? Right? Then next. Quickly. And diagram आपने रफ सा बना लेना, ये पूरा पेशेंट ऐसे नहीं बना देना है, रफ सा डायग्राम बनाओ सो दैट पेयर कॉपी में, जहां पे रिवाइज करते हो उसमें करना। एंड रिमेम्बर कि आज से कल से जो है वो सारे जितने भी लेक्चर्स है, तो पुराने भी रिकॉर्डेड है हमारे पास, बट अब से जितने लेक्चर्स है सब यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। के एडुकॉन ई लर्निंग की साइट पे जाकर यू कैन सी योर लेक्चर।
जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया वो अपना आंसर करें। डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, पर्सन का डायग्राम एक रफ सा बना लो। ओके अगेन ड्रॉ द डायग्राम। ये सारे दिस इज केस स्टडी, ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, डायग्राम बनाना है। जो केस स्टडीज हम करवा रहे हैं इन्हीं में से ही थोड़ी सी चेंज करके पेपर में आ जाएगी। ड्रॉ इट, राइट इट।
इस फिगर में थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी थिक ज्यादा बना लेना, और कहाँ पे मिरर्स प्लेस है वो लिखना, और डायरेक्शन ऑफ लाइट भी बतानी है आपने कहाँ से कहाँ को जा रही है। चलिए आगे चलें। मैम नो, कोई बात नहीं, मैं तुम अगला लिखो, मैं फिर पीछे आ जाऊं, नो प्रॉब्लम्स। राइट डाउन फर्दर इफ यू हैव नॉट डन, वी मे गो बिहाइंड द प्रीवियस स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल्दी से। सेक्शन डी स्टूडेंट्स, जल्दी से सेटल हो जाओ, जल्दी से क्विक। ओके बेटा, ये थोड़े से नंबरिंग की प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट इज क्वेश्चन नंबर 7।
इट इज नहीं, ये तो आप कर चुके हो ना, आई एम सॉरी, ये 2 बार आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर एंड, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, रॉन्ग टाइमिंग्स का मतलब है कि हमें प्लेन मिरर में ये इमेज दिख रही है, बट एक्चुअल टाइम क्या है? यू नो इट, लेटरल इन्वर्जन। मैम 8:45 AM के हैं कि PM के? एएम ही है बेटा, एएम पीएम की कोई बात नहीं है बेटा, इट मे बी एनीथिंग, एएम या पीएम। आपने मुझे टाइम बताना है कि ये हमें मिरर में दिख रहा है, घड़ी में क्या टाइम बजा होगा? नॉट एएम पीएम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एएम और पीएम, और यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। हमें मिरर में ये इमेज 8:45 नजर आ रहा है, तो क्लॉक में क्या टाइम होगा? सर ने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था कि कैसे दो टाइम, मिरर इमेज और एक्चुअल टाइम, उनका सम क्या होना चाहिए। पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना बेटा, याद करके अपने माइंड की मेमोरी को पीछे घुमाओ, रादर देन यू नो रिवाइंडिंग योर पेपर्स, और आपस में बातें नहीं। ऑल्दो दिस थिंग इज नॉट इन योर बुक, बट ये क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू में। चलिए कीजिए फटाफट से। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जो क्वेश्चंस करने हैं वो करो, फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पेरिस्कोप वाला कई बच्चों का रह गया था, लेट मी ये वाला, कई स्टूडेंट्स का रह गया था, देखे नोट रहा, बाकी जो है स्टार्ट डूइंग। 8th D वालों के कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे तो हम साथ साथ करेंगे, तो यू कैन नोट डाउन दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द स्लाइड्स अगेन, बट स्टार्ट डूइंग। पीछे कॉपी नहीं घुमानी है, जितना आपके माइंड में मेमोरी है उसको यूज करके काम करना है। लीव द असाइनमेंट, असाइनमेंट छोड़ दो, बैग में रखो असाइनमेंट को।
अपना बेटा अपना, 8G अपना अपना। यस, 8A वंश, वंश इज देयर। आजा बेटा माई कौन करो, सिंपल है, कोई फेलो स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे, अपना। हाँ बेटा माई कौन कर बेचे। हाँ बोलो, आंसर बोलिए। टू मिरर्स है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म। पहले बेटा मुझे फॉर्मूला बता दे, सर ने फॉर्मूला बताया होगा आपको। हाँ नंबर ऑफ इमेजेस अच्छा, इज इक्वल टू, हाँ 360 अपॉन हाँ थ्रीटा यस, नंबर ऑफ इमेजेस -1 यस, 360 बाय थीटा -1। थीटा क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द थीटा? नंबर ऑफ साइड्स नंबर, नंबर ऑफ साइड्स तो नहीं है। थीटा क्या होता है बेटा? एंगल। 90 एक ही तो चीज दी हुई है आपको, 90 डिग्री। हाँ अब जरा स्क्रीन पे देख के बता क्या हो जाएगी। नंबर ऑफ इमेजेस करो जरा, अगर आपने नहीं भी किया, किसी की सुननी नहीं है और कोई और बोलेगा भी नहीं। 360 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? नीचे क्या लिखे हम थीटा की जगह? 90 90 और -1। इसको सॉल्व कर जल्दी से, 0 से 0 काटा, आगे कितना आ गया? ऑन रख, ऑन, फोर, फोर फोर 9 4 36, कितनी इमेजेस बनेगी? थ्री 3। एवरीबडी एग्रीज विद दिस आंसर? बैठो बेटा। सो आंसर इज 3। ठीक है जी, चलिए यस कीजिए इसको। अगर कर लिया है देन द स्टूडेंट विल कम, इट इज 8B हरकीरत, 8B हरकीरत, हरकीरत इज देयर। आ जा बेटा। यस हाँ आंसर आपने किया है बेटा इसका। अब मुझे ये हरकीरत जरा स्क्रीन पे देखो, छोड़ो इसको आंसर। टेल मी कि इफ ये प्लेन मिरर है ना, आप आपने सुबह अपनी टर्बन बांधी होगी, मिरर के सामने ही बांधी है ना। इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, डिस्टेंस इज लेट अस से 150 सेंटीमीटर, ये आपको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो आपकी इमेज यहां पे बन रही है, मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा? 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, एब्सोल्यूटली करेक्ट, जितना ये है इतना ये। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, ऑप्टिशियन बोल्ट, पेशेंट का डिस्टेंस इतना है, और यहाँ पे लेट अस से मैं ये पेशेंट बता रही हूँ, पेशेंट ने अगर अपनी शक्ल देखनी है, इसकी अपनी इमेज देखनी है, तो इमेज का डिस्टेंस भी 100 होगा, यस और नो? मुझे बताओ मिरर से टेस्ट कार्ड का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर दोबारा से देखो, ये जो दिख रहा है ये यहां से यहां तक है, टेस्ट कार्ड का मिरर से कितना डिस्टेंस है? 150 150 सेंटीमीटर। अब यहां पे अगर हम देखें
तो टेस्ट कार्ड यहां पर नजर आ रहा है। तो बताओ टेस्ट कार्ड की इमेज और मिरर में कितना डिस्टेंस है? 150। 150। यहां पे किसका डिस्टेंस पूछा गया है? हाउ फार अवे फ्रॉम द पेशेंट्स आई, पेशेंट की आई यहां पर है ना, यहां पर है। इज द इमेज ऑफ द टेस्ट कार्ड, इमेज पेशेंट की आई लेटर से यहां पर है, और ये पेशेंट का डिस्टेंस है 100, और इमेज यहां पे है, टेस्ट कार्ड की इमेज यहां पे है। डिस्टेंस बताओ टोटल। टू हंड्रेड फिफ्टी 250। समझ में आई कैसे? यस, यस। इट इज, आंसर इज करेक्ट, इट इज 250। कैसे? टोटल ये है 150 है ना, वन मिरर से टेस्ट कार्ड की जो है डिस्टेंस वो 150 है, तो टेस्ट कार्ड की इमेज का डिस्टेंस भी 150। हमने देखना है पेशेंट से टेस्ट कार्ड की इमेज तक का डिस्टेंस, 150 प्लस 100, इट्स 250 सेंटीमीटर। आई होप, वेरी गुड बेटा, बैठो बच्चे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जसनीत 8C। और बेटा दिस इज माय सजेशन कि सिर्फ आपने बोला, हमने कोई अगर आपको आंसर बताता भी है तो उसको चुप कराओ, राइट? तो दिस इज द एंगल, एंगल ये है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज नॉर्मल। मुझे बेटा जसनीत आपने ये बताना है बच्चे कि नॉर्मल, मैं यहां पे थोड़ा सा दिखा रही हूं, ये नॉर्मल है, इसका मिरर से, नॉर्मल और मिरर के बीच में कितना एंगल होता है बेटा? 68। बेटा छोड़ दे, वो तो तुझे आंसर किसी ने बता दिया, तू 68 बता रहा है, आंसर दिस आई नो है ना। डोंट ट्राई टू फूल टीचर्स, व्हाट एम आई आस्किंग टू यू, लिसन टू दैट, व्हाट आई एम आस्किंग, एंड टीचर्स प्लीज देखें कि जिस बच्चे को बुलाया गया है, अदरवाइज अवर होल एक्सरसाइज विल बी फ्यूटाइल। मैं इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रही हूँ। जसनीत आपने बेटा मुझे बताना है कि ये नॉर्मल है, यू कैन सी दिस नॉर्मल, मैं पूछ रही हूं ये एंगल कितना है, आपको दिख रहा है बेटा? 6th क्लास से पढ़ रहे हो एंगल, ये जब हम ऐसा एंगल बनाते हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, 25 डिग्री, देन 50 डिग्री, 90 डिग्री की 180 डिग्री, ये एंगल कितना होता है? 90। 90 डिग्री, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है। और मुझे अब ये भी बता दो जल्दी से, मैथ का ही मैं पूछ रही हूँ, कोई और नहीं, सिर्फ यही बताएगा जसनीत, ये एंगल कितना है बेटा? थोड़ा सा मैं आपके लिए और इजी कर देती हूँ, दो एंगल हो गए ना, ये टोटल एंगल 1 प्लस 2 कितना हो गया, मैं 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही आपसे पूछ लिया, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये एंगल 56 डिग्री है, टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ जल्दी से। इसको पेन दो, कॉपी दो, और कोई भी स्टूडेंट नहीं, कितना एंगल, किसी से उससे नहीं पूछना, अपने दोस्त से, एंड फिर मैं उस बच्चे से तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी जो आंसर दे रहा है उसको। आपने मुझे बताया, दोबारा से मैं कह रही हूं कि ये जो है, दोबारा से देख लो, ये नॉर्मल है,
नॉर्मल में ये एंगल 90 डिग्री का है, यू हैव टोल्ड मी 90 डिग्री आप डिवाइड कर दिया है ना, ये एंगल 56 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बेटा? किसमें से किसको माइनस करेंगे या किसको किससे प्लस करेंगे? बेटे माइक ना इधर लेफ्ट साइड वाले टेबल पे रख लो, मुझे ना उधर आपकी इमेज आपकी नजर नहीं आती, इधर रख लो, इस साइड रख लो। हाँ, अब बोलो बेटा। यस वेरी गुड, माइक भी रख लो, माइक भी ले आओ इधर को। ये देख जसनीत, इधर देख बेटा स्क्रीन पे, दोबारा से देख। मैम 34 34 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, वेरी गुड जसनीत, वेरी गुड। टेल मी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? मैम दोबारा, इक्वल, वेरी गुड। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 34 डिग्री है, तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे, चलो मैं तो ऐसे ही कर रही हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो है ये कितना होगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बताया 34 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? मैम 34 34। सो एंगल ऑफ आई 34 डिग्री, एंगल ऑफ आर 34 डिग्री, एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल पूछा है। 34 ये है, 34 ये है, आंसर इज 68। वेरी गुड जसनीत, ठीक है, आपने कुछ डिराइव किया और आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो नहीं था? अच्छा जसनीत नो पहले बोलो, पहले बोलो, पहले मुश्किल लगा था कि नहीं? सच बोलना है। मैं लगा था मैम अच्छा पहले 68 डिग्री किसने बताया था आपको आंसर? आपने तो नहीं निकाला था, जल्दी से बता दे, सच बताना है, ये तो सच बोल सकते हो, तुक्का लगा था तुक्का तो नहीं बेटा, किसी ने बताया था है ना, इतना करेक्ट तुक्का, तुक्का 68 पे लगना तो मुश्किल होता है। बता दे जल्दी से अपने फ्रेंड्स को, आपने बहुत ज्यादा सेव नहीं करना, मैं कौन सा किसी को बुला रही हूँ, जल्दी से बता, Somebody has told you, कहीं से आवाज सुनी थी आपने? मैम नो ना, ये तो झूठ बोल गए। अच्छा चल अगला सच ये बताना है कि बाकी जितनी चीजें पूछी क्या वो आपने खुद बताई कि वो भी किसी ने बताई? सच बताना है बिल्कुल। बता चलो वेरी गुड, बैठो। चलिए जी, अब मेरे पास आ जाइए बेटा, 8th D मानवप्रीत, 8th D मानवप्रीत, कौन से सेक्शन में बैठे हुए हैं 8th D मानवप्रीत? सी मैम आ जाओ बेटा, कहाँ पे हो, रेज योर हैंड। अच्छा चलिए वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए कि इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड हियर द पर्सन इज सीन, हाउ मेनी मिरर्स आर प्लेस्ड? थ्री 3। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एक यहां पे, यहां से लाइट आएगी, इधर जाएगी, इधर ट्रेवल कर रही है, फिर यहां पे स्ट्राइक करेगी। अगर यहां पे मिरर नहीं होगा तो आगे नहीं, बेंड करेगी नहीं। आपको पता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइट, इट डज नॉट बेंड, बट इट स्ट्राइक्स हियर, यहां पे सेकेंड मिरर लगा, उसने फिर रिफ्लेक्ट की लाइट। इट इज द रिफ्लेक्शन विच चेंजेस, ध्यान से ये क्वेश्चन हमने
आई थिंक 7th में मैंने बताया था किसी क्लास में। सो क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनो, लाइट हैज रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, यस यस और नो? रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैन देयर बी एनी मेथड विच चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लाइट? लिख लो ये आंसर। ये वैसे जीके का एक आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन क्लास 7th। ये क्वेश्चन हम क्लास 7th में कराते हैं। तो आंसर इज यस, आंसर इज रिफ्लेक्शन, अनदर इज रिफ्रैक्शन। वो अगले चैप्टर में है, यू विल स्टडी। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द फिनोमिना विच चेंजेस, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अदरवाइज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यू कैन सी हियर नाउ, लाइट इज गोइंग हियर नाउ, अगेन देयर इज मिरर विच अगेन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड देन तो जितने कॉर्नर्स होंगे उतने मिरर्स लगेंगे। जरूरी नहीं कि हमेशा तीन हुए, मोर द कॉर्नर्स मोर द नंबर ऑफ मिरर्स। सो हियर आंसर इज 3। देन नेक्स्ट स्टूडेंट, मानव फ्रॉम 8th E, 8th E मानव पहले बोलो, देखिए आपकी आवाज आ रही है 8th E से, जरा जोर से बोलो। यस, यस टेल मी, इंडिकेट द पोजीशंस। ये मैंने आपको बता दी है कहाँ कहाँ पे है, आपने अपने डायग्राम में ड्रॉ करने हैं। व्हाट मस्ट बी द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट एट विच ही शुड प्लेस द मिरर्स? ये जो मिरर है ये कौन से एंगल पे प्लेस्ड है? मैं कॉर्नर कॉर्नर तो है, कौन सा एंगल होता है बेटा इस पे? लेट मी, 45 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बेटा, इट आंसर इज 45 डिग्री। वेरी गुड, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रेज इन द फिगर। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रही है। इफ एनी ऑफ द मिरर्स इज रिमूव्ड विल ही बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट? हाँ जी, पारस, पारस किस में है? एफ में है। यस पारस, क्या अगर हम ये वाला मिरर हटा दें तो क्या वो विल ही बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, यस कि नो? हेलो नो, ठीक है। तो अगर कोई इसका आंसर पूछे तो हम ये कह सकते हैं, बिकॉज इफ वन मिरर इज रिमूव देन नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट वन पॉइंट एंड नो फर्दर मूवमेंट ऑफ लाइट इन द ट्यूब। ठीक है, लिख लो इसकी, लिख लो वो, लिख लो एक्सप्लेनेशन। बैठो बेटा, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। इफ लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ये जो हमने पहले लिखी है, लाइट ट्रेवल्स इन ए, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट, इन पेरिस्कोप या पेरिस्कोप हैज ए बेंट ट्यूब्स,
इन पेरिस्कोप मेनी ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन ए बेंट पोजिशन। थर्ड पॉइंट, द रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर्स हेल्प्स इन हेल्प्स इन मूविंग द लाइट हेल्प्स इन मूविंग द लाइट इन बेंट पेरिस्कोप हेल्प्स इन मूविंग द लाइट इन बेंट पेरिस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी ऑफ द मिरर इज रिमूव्ड, इफ एनी ऑफ द मिरर इज रिमूव्ड द लाइट विल नॉट ट्रेवल फर्दर, लाइट विल नॉट ट्रेवल फर्दर। ठीक है, आंसर मुझे बताना है, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, अगेन आंसर जो है ये आपको फॉर्मूला पता है, जुगराज, 8th G जुगराज। जल्दी से फटाफट से आ जा बेटा, टाइम आपका खत्म हो रहा है, आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। हाँ यस, एंड जी बताइए फटाफट से आंसर बताओ। जुगराज कॉस ऑफ एंगल ऑफ 65 इमेजेस वाज फॉर्मड, कैसे किया, 360 by 360 बाय नंबर 60 -1, वन 6 6 are 36, 6 - 1 is equal to 5। वेरी फाइव। गुड जुगराज, बैठो बेटा। यस ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। एनीबडी फ्रॉम 8th A जल्दी से, 50 डिग्री वट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक है, इट इज 50 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 - 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो लाइकवाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। यस, ये कौन बता रहा है मुझे, यस एनीबडी। हाँ एम जी, थ्री इट फिफ्टीन इज 315। बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक बताया है। कैसे, कि मिरर इमेज सर ने आपको बताया था दोनों का 845 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, ट्वेल्व सो एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 8.45 इज इक्वल टू 3.15। दिस इज द एक्चुअल टाइम। इज इट ओके, एम टाइम इज ओवर। बस हम बस खत्म कर रहे हैं बेटा, आई नो दैट। एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, नहीं मैम बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं है, वो क्या पूछ रहे हैं बेटा, वो दो क्वेश्चंस है बेटा। लेट अस से पेरिस को ये वो कहते हैं, ये जो दो मिरर्स है ये एक दूसरे जो दो है इनका एंगल आपस में क्या है, आप देख रहे हो एक ये है और एक ये है, हम क्या कहेंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट, सो विद रिस्पेक्ट टू अनदर
पैरेलल एंड विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब, आपने पहले ही बताया मुझे 45 डिग्री। ओके ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ द रिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन अब आपने लिखना है ऑन व्हाट प्रिंसिपल, ये बड़ा बिग क्वेश्चन है, लिखो जरा ऑन व्हाट प्रिंसिपल कैडेलोस्कोप वर्क्स, ऑन व्हाट प्रिंसिपल कैडेलोस्कोप वर्क्स। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट इज इट्स फंक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप, इन सब का प्रिंसिपल क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है। ठीक है जी, अब ओनली वन स्टूडेंट विल टेल मी कि आपने अपनी क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर लिया है कि अभी चल रहा है, ये मैं चल रहा है चल रहा है। ओके, हाउ मेनी डेज विल इट टेक, अभी क्या किया है आपने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर ली है। मैम, यस वी हैव टू डू रिफ्रैक्शन अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, मैम, यस मल्टीपल इमेजेस स्कूल में भी कर लिए, मैम, कैटलोस्कोप पेरिस्कोप कर लिया यस स्कूल में। मैम, यस ओके ठीक है बेटा, वी विल डू दैट, वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद दैट, बट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, टेस्ट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्लस लाइट रिफ्लेक्शन जो आज हमने रिवाइज किया है। ओके ठीक है, कोई मैम, हमारा नहीं हो। बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमने तो करा ही दिया ये, और आपको सबको आता ही है, यही क्वेश्चंस आने हैं ऐसे ऐसे से, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों में क्या एंगल है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।